नमस्कार, नमस्कार। मैं डॉक्टर चेतन शर्मा, पीपल हार्ट एंड हेल्थ केयर सेंटर की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपका परिचय कराने जा रहा हूं मिस्टर मदन लाल जी और शरबती देवी से। दोनों उम्रदराज पेशेंट हैं और इनका ट्रीटमेंट मैंने एक साथ किया है। आइए एक एक करके इनसे समझते हैं कि किस तरह इनका अनुभव रहा इलाज का। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार जी। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार बाबू जी। शुभ नाम बताएं आपका। मदन लाल सारंग। उम्र क्या हो गई आपकी? उम्र 79। कहाँ के हैं अंकल आप? बीकानेर से। बीकानेर से हैं। क्या तकलीफ हुआ था अंकल जब आप मेरे पास आए थे उससे पहले? उससे पहले मेरे को घबराहट सी हुई, मैं अंदर सोने के लिए जा रहा था, जा नहीं पाया, अंदर बीच में गिर गया, मैं बेहोश हो गया। लोग बाग तो कहते हैं अटैक है, बेहोश हो गया, मेरे को पता नहीं चला। अच्छा। हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ पर जाँचें वाँचें हुई, डॉक्टरों ने फिर एंजियोग्राफी कर दी, स्टेंट डलेंगे। वहाँ से हम संतुष्ट नहीं थे, यहाँ जयपुर आए, किसी ने दूसरे डॉक्टर को रेफर किया था, फिर डॉक्टर चेतन शर्मा का रेफरेंस आया, हमारे कुंवर साहब थे उनका मैसेज आया कि आप उनके पास जाइए। मैं यहाँ पर आया और यहाँ से मैंने थेरेपी ली। मेरा थेरेपी के बाद जांच भी हो गई और दुर्लभ जी में वहाँ जाँच हो गई, बहुत बढ़िया जाँच आई है, टॉप की जांच चाहिए। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे को कोई अब तकलीफ नहीं है। अच्छा बाबू जी, आपकी जो ECP इलाज हुआ था, एक घंटा रोज आपका लगभग 45 दिन हुआ, उसमें किसी तरह की तकलीफ तो नहीं महसूस हुई आपको? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। आपको साथ में वॉक वगैरह बताया था, आप वॉक भी कर पा रहे हैं? वॉक भी कर पा रहा हूँ मैं, 40 मिनट सुबह जाता हूँ और 40 मिनट शाम को। बहुत बढ़िया। परहेज वगैरह जो बताया गया है वो भी आप कर रहे हैं? हाँ, वो बिल्कुल परहेज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि दूध वाली चाय मेरे को नहीं, मैं तो सिर्फ इलायची, काली मिर्च और उस तरह की चाय मेरे को मिलती है, वो मेरे को ठीक लग रही, जच रही है जी। बाकी सारा जो परहेज है वैसे वैसे मैं किया। बहुत बढ़िया। एंजियोग्राफी के समय इनको सीवियर TBD डायग्नोज हुआ था, तीनों आर्टरी ऑलमोस्ट 95% ब्लॉक थी, एज वेल एज द हार्ट का फंक्शन भी लो था, तो थोड़ा सा हाई रिस्क था क्योंकि एज भी थी, लेकिन हमने ट्रीटमेंट पे विश्वास करते हुए, लाइफ स्टाइल पर विश्वास करते हुए ट्रीटमेंट को पूरी तरह अंजाम दिया और स्ट्रेस थेलियम टेस्ट कराने के बाद देखा कि पूरे मायोकार्डियम के अंदर पूरी तरह से 100% ब्लड फ्लो मेंटेन है और LVF भी इम्प्रूव होकर के 65-68% आ गया। अंकल अभी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमेशा स्वस्थ रहें, जीवन शैली को फॉलो करते रहें। साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इन्होंने हर एक चीज़ को पूरी तरह से माना जो भी बताया गया, जिससे उनकी दवाइयाँ भी कम हुई, एंजाइना भी ऑलमोस्ट निल हो गया और हार्ट का फंक्शन भी इम्प्रूव हुआ। उम्मीद करते हैं आप अंकल हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आप दर्शकों से हमारे लिए बारे में कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, दवाइयों की बजाय डॉक्टर साहब की बातों से मैं अच्छी तरह से प्रभावित हुआ हूँ, ठीक हुआ हूँ, तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि इन्होंने डॉक्टर साहब इसी तरह से सारे मरीजों का इलाज करें। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। नाम बताएं आपका। मेरा नाम सरबती देवी है। उम्र क्या हो गई आपकी? मेरी उम्र 72 वर्ष हो गई। 72 वर्ष है। कहाँ से आप? नगर से है, बीकानेर रहते हैं। अच्छा अच्छा। और हम इधर आए हैं, मेरे हस्बैंड का इलाज कराने आए, तो मेरे को भी अच्छा लगा, डॉक्टर साहब जी के ने बोला भी आप भी करवा लो, तो फिर मैंने भी इलाज करवाया है। बहुत अच्छा इलाज है और सब कोई मत को भी अगर कोई दिक्कत है तो इधर ही आके इलाज कराए। आंटी जी, क्या तकलीफ रही थी आपको पहले? मेरे हार्ट में है ना थोड़ी दिक्कत थी, अटैक आ गया था, 2 बार एंजियो हो गई थी और वैसे मेरी दवाई चल रही थी, 10 सालों से ही चल रही है मेरी दवाई। और आपको चलने फिरने में, काम करने में तकलीफ रहती थी? नहीं, मेरे को तकलीफ नहीं थी ऐसे चलने में फिरने में जी। और यहाँ आने के बाद तो मेरा अब और भी हार्ट बहुत बढ़िया काम कर रहा है, पहले तो कम था, अब पूरा है, अच्छे से काम कर रहा है। आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? इधर ही आके इलाज कराओ, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत व्यवहार बहुत अच्छा है, घर की सी फीलिंग आती है इधर। तो आपका 35-40 दिन इलाज हुआ, उसमें किसी तरह की तकलीफ नहीं, तो नहीं? कोई तकलीफ नहीं हुई, आराम से, सब पूरा स्टाफ भी है ना बहुत अच्छा है। चलिए, तो आशीर्वाद वगैरह है हम पे? हाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप संतुष्ट हैं पूरी तरह से दोनों इलाज से? इलाज से। बहुत बढ़िया, ईश्वर करे आप स्वस्थ रहें और हमारी बात मानते रहें। डॉक्टर साहब जी बहुत खुश मिजाज है, आधी बीमारी तो बोलने से गायब हो जाती है। चलिए, स्वस्थ रहिए आंटी जी। नमस्कार। नमस्कार।